इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप जीएसटी रेट के बारे में। मान लीजिए कि हमने एक कंप्यूटर परचेज किया है जिस पे जीएसटी रेट 28% लगी है, और हमने एक कंप्यूटर टेबल परचेज की है जिस पे कि जीएसटी रेट 18% लगी है। तो इन दोनों आइटम की एंट्री हम एक ही बिल में किस तरह से करेंगे, किस तरह से जीएसटी कैलकुलेट होगा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप सभी को ये पता लग सके कि कहाँ कहाँ हमने जीएसटी को इनेबल किया है। तो A1 सेल्स के नाम से हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट हम ले लेंगे राजस्थान। स्टेट लेना यहाँ पे हमें जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि स्टेट से ही हमें पता लगता है कि CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर IGST। एंटर एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक बार आप फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना, 1/4/2023 होना चाहिए। एंटर एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो A1 सेल्स के नाम से एक कंपनी हमने बना दी है। अब सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें जीएसटी इनेबल करना होगा। उसके लिए हम फीचर्स ऑप्शन पे जाएंगे। इसके लिए हमें F11 की प्रेस करना होगा। F11 की प्रेस करने पे हमारे पास अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टेचुरियन टैक्सेशन आएगा। तो हमें स्टेचुरियन टैक्सेशन पे जाना है। उसके बाद इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। इन दोनों ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पे हम स्टेट राजस्थान रहने देंगे क्योंकि हमारी कंपनी राजस्थान की है। उसके बाद जीएसटी नंबर, यहाँ पे हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर आ जाएगा। अभी हम जीएसटी नंबर 111 डाल रहे हैं, एंटर। यहाँ पे हमें वार्निंग शो कर रहा है इनवैलिड जीएसटी नंबर, तो हम समझने के लिए 11 डाल के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद एंटर एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर एंटर करके इस विंडो को भी हमें एक्सेप्ट करना है। जीएसटी इनेबल हो चुका है। अब हमें नॉर्मल एंट्रीज करनी है। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम माल खरीद रहे हैं। जब भी हम माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है हमारी परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर के लिए हमें F9 की प्रेस करनी होगी। F9 की प्रेस करने पे परचेज वाउचर हमारे पास यहाँ पे चालू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिससे हमने माल खरीदा है उसने हमें जो बिल बना के दिया उसका नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। डेट यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद एंटर करके पार्टी अकाउंट नेम पे आ जाएंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हमें जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे कंप्यूकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये आएगा अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं। उसके बाद एंटर एंटर करके हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट अपना आ जाएगा दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली से माल परचेज कर रहे हैं। उसके बाद एंटर एंटर करके हम यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल को यस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, इसमें हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम नो रहने देंगे। पार्टी टाइप में भी नॉट एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पे दिल्ली वाली पार्टी का जीएसटी नंबर आ जाएगा जिस पार्टी से हम माल परचेज कर रहे हैं। एंटर एंटर करके हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा परचेज लेजर। परचेज लेजर पहले से बना हुआ नहीं है तो Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे परचेज लेजर क्रिएट कर लेंगे। परचेज लेजर हमारा अंडर आएगा परचेज अकाउंट। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी रेट को हम यस कर देंगे। उसके बाद एंटर करके नॉट एप्लीकेबल और अननोन रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर एंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, अब हमने एक कंप्यूटर परचेज किया था तो Alt+C की प्रेस करके कंप्यूटर नाम से हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट, यूनिट भी बनी हुई नहीं तो Alt+C करके NOS फॉर्मल नेम में या हम नंबर्स ले लेंगे। एंटर एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान देना है जो जीएसटी रेट हम लगाएंगे वो हम आइटम के ऊपर लगाने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद यहाँ हम कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ ले लेंगे ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। कंप्यूटर पे हमें 28% जीएसटी लगाना था तो हम यहाँ पे 28 लिख देंगे। उसके बाद एंटर एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक कंप्यूटर हमने परचेज किया है, रेट है उसकी 20,000। उसके बाद एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद हमने एक कंप्यूटर टेबल परचेज की है तो Alt+C करके एक नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं, कंप्यूटर टेबल।
यूनिट में हम नंबर्स ले लेते हैं, उसके बाद जीएसटी में हम वापस यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहने देंगे, टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे हमारे पास टैक्सेबल आ जाएगा, कंप्यूटर टेबल पे 18% जीएसटी लग रहा था तो हम यहाँ पे 18 डाल देंगे, कंप्यूटर पे हमने 28% डाला था और यहाँ पे हम 18% डाल रहे हैं। उसके बाद एंटर एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक टेबल हमने परचेज की, टेबल की रेट थी 10,000 रुपये। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे IGST लगाना है क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं और हमने माल परचेज किया दिल्ली से, तो ये एक तरह से आउट ऑफ स्टेट परचेज कर लिया हमने। तो जब भी हम किसी और राज्य से, किसी और स्टेट से माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पे हमारा IGST लगता है। तो यहाँ पे हम ओल्ड सी करके IGST नाम से लेजर बना लेंगे। अंडर ये अपना आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आएगा अपने पास जीएसटी, टैक्स टाइप यहाँ पे आ जाएगा आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इस पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें 0 ही रखना है। अगर यहाँ पे हम कोई भी परसेंटेज डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 28% डाल दिया, तो हमने कंप्यूटर 28% में परचेज किया तो वहाँ भी 28% कैलकुलेट करेगा और हमने जो टेबल 18% में परचेज की है वो भी 28% पे ही कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हमें 0 ही रहने देना है और एंटर एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा IGST कैलकुलेट हो चुका है 7,400 रुपये। अब हमें देखना है कि हमने जो अलग अलग रेट से जीएसटी लगाया था वो सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम ओल्ड पी की प्रेस करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। इस बिल को हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। बिल को जूम करने पे भी अभी हमारे पास IGST 7,400 रुपये बता रहा है। कंप्यूटर पे और कंप्यूटर टेबल पे जो अलग अलग रेट से जीएसटी लगाई वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम एस्केप की से पीछे आ जाते हैं, वापस ओल्ड प्लस पी की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फिगर करते हैं, उसके लिए हमें F12 की प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो होता है प्रिंट जीएसटी परसेंट कॉलम, इस कॉलम को हम यस कर देंगे। यहां से हम यस कर देते हैं, एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जीएसटी रेट अलग अलग शो कर देगा। कंप्यूटर पे 28% शो कर रहा है और कंप्यूटर टेबल पे 18%। तो इसी तरह से हम एक ही बिल में अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।